सभी को मेरा नमस्कार, स्वागत है आप सभी का टीम लूजर ब्लॉग में। आज हम आए भारत दर्शन पार्क जो कि दिल्ली के पंजाबी बाग में स्थित है, तो आइए चलते हैं। लेकिन सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा, यहाँ पे जितने भी मॉन्यूमेंट्स बने हुए हैं ये सारे वेस्ट ऑफ मटेरियल से बने हुए हैं। यहाँ पे आप दिन में भी आ सकते हैं, रात में भी आ सकते हैं, बट रात का जो व्यू है बहुत ही औसम है। तो मैं यही चाहूँगा कि फ्रेंड्स लोग आप सब रात में आइए, और टिकट प्राइस है दिन का है 100 रुपीज़ और रात का है 150। मैं आपको दिखाना चाहूँगा टिकट, तो जैसा कि आप देख रहे हैं 150 प्राइस है, दो बंदे हम जा रहे हैं तो 300 रुपये हो गए। फ्रेंड्स जैसा कि आप सभी देख रहे हैं, ये देखिए जितने भी यहाँ पे लिखे हुए हैं ये सारी चीज़ें अंदर कवर की गई है, कम से कम 20 से 25 के अराउंड मॉन्यूमेंट्स हमारे कवर की गई है। आइए देखिए, जैसा कि आप सभी देख रहे हैं अब हम एंट्री कर रहे हैं भारत दर्शन पार्क में, तो आइए। दो बंदे, सबसे पहले हम आ चुके हैं गेटवे ऑफ इंडिया जो कि मुंबई में स्थित है। जैसा कि आप देख रहे हैं अब हम आ चुके हैं राजस्थान के जयपुर में जो कि हवा महल है। अब हम आ चुके हैं गोल गुंबद में जो कि देश का सबसे बड़ा गोल गुंबद है जो कि कर्नाटका में स्थित है, जैसा कि आप देख रहे हैं सामने ही मेरे। तो अब हम पहुंचे हैं कुतुब मीनार जो कि दिल्ली में स्थित है, दिल्ली का सबसे बड़ा मीनार है, दिल्ली ही नहीं पूरे वर्ल्ड का सबसे बड़ा मीनार है ये। आइए देखिए, तो अब हम पहुंचे हैं बिहार के नालंदा विश्वविद्यालय में, जैसा कि आप देख रहे हैं हमारे पास मशीन है जो आप कुछ भी खाना हो, कोल्ड ड्रिंक, चिप्स, कुरकुरे वगैरह, आप आइए। और ये ऑटोमेटिक मशीन है, आप यहाँ से स्वाइप करिए और कुछ भी करिए आपको खाने का। अब हम पहुँचे हैं बद्रीनाथ धाम जो कि चार धामों में से एक धाम है, हमारा पवित्र धाम है, उत्तराखंड में स्थित है, जैसे कि मेरे सामने आप देख रहे हैं। अब हम आए हैं द्वारका देव जो कि गुजरात में स्थित है, ये भी चार धामों में से एक धाम है, ये हमारे सामने है। अब हम पहुंचे रामेश्वरम जो कि पवित्र ही मंदिर है और चार धामों में से ये भी एक धाम है, तो आइए देखते हैं। अब हम आ चुके हैं जगन्नाथपुरी जो कि उड़ीसा में स्थित है, चार धामों में से ये चौथा धाम है। अब हम पहुंचे हैं महाभट्ट पैलेस। अब हम आए हैं सांची स्तूपा जो कि मध्य प्रदेश में। तो फ्रेंड्स जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे पानी की भी सिस्टम है, आपको प्यास लगी तो आप आराम से पी सकते हैं। फ्रेंड्स जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे वॉशरूम की भी फैसिलिटी है। पहुँचे हैं विक्टोरिया पैलेस जो कि कोलकाता में स्थित है, वेस्ट बंगाल में, जैसा कि आप देख रहे हैं। अब हम पहुंचे हैं हम्पी रत्न जैसा कि आप देख रहे हैं। फ्रेंड्स अब हम पहुंचे हैं ताजमहल जो कि आगरा में स्थित है, जैसा कि आप सभी देख रहे हैं। आप देख रहे हैं हमारे सामने एक अंकल मिले जो कि यहीं पे काम करते हैं, तो आइए हम इनसे क्वेश्चन करते हैं। तो अंकल, ये भारत दर्शन का उद्घाटन कब हुआ? भारत दर्शन का उद्घाटन हुआ था 25 दिसंबर 2021 को, अमित शाह जी आ करके उद्घाटन किए थे इसका। तो ये टाइमिंग क्या रहती है अंकल यहाँ की? यहाँ पे टाइमिंग है 10 बजे सुबह से लेकर 10 बजे रात तक। अच्छा, रात का व्यू अच्छा होता है अंकल या दिन का? जैसे कि देखने के लिए तो दिन का भी व्यू, अगर जैसे मॉन्यूमेंट्स का क्या क्या पार्ट से बना है वो दिन के ही मतलब देखने में अच्छा लगता है, और रात में है क्या कि मतलब लाइटिंग का जो है ना वो लाइटिंग का अच्छा लगता है। तो मैंने सुना है कि यहाँ पे सारी की चीज़ें मतलब जो मॉन्यूमेंट जितने भी बने हुए हैं ये वेस्ट मटेरियल से बने हैं। हाँ जी हाँ, ये जितने भी वेस्ट मटेरियल जैसे कि गाड़ियों का पार्ट्स हैं, मोटरसाइकिल,
फोर व्हीलर टू व्हीलर और साइकिल का पार्ट्स है उससे भी बना रही है। अच्छा, और ये टिकट के प्राइस क्या है और कब कब खुले रहते हैं? ये टिकट का प्राइस है सोमवार को तो ऑफ रहती है और मंगलवार से लेकर और शुक्रवार तक 5 बजे के पहले, 5 बजे के पहले है आपका 100 रुपया और 5 बजे के बाद है 150 रुपया। और वैलिड कब रहता है टिकट? शनिवार रविवार को ये 150 रुपये। टिकट की वैलिडेशन कब? इसका टिकट का वैलिड है 4 घंटे। थैंक यू अंकल इतने सारे जवाब देने के लिए। फ्रेंड्स, अब हम पहुँचे हैं मैसूर पैलेस जो कि एक शाही महल है कर्नाटका में। अब हम आ चुके हैं हैदराबाद की पहचान जो कि चार मीनार है, हम उसके पास आ चुके हैं। तो आइए अब हम आ चुके हैं कोणार्क मंदिर जो कि उड़ीसा में स्थित है। ये सूर्य को समर्पित है। हम पहुंच चुके हैं अजंता एंड एलोरा की गुफाएं जो कि महाराष्ट्र में स्थित है। अब हम पहुंचे हैं खजुराहो के मंदिर जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है। तो खजुराहो के टेंपल हमारा लास्ट मोन्यूमेंट था, इसके बाद हम एग्जिट करते हैं। बट अगर आपकी वैलिडेशन और है तो आप दोबारा भी घूम सकते हैं।